ग्वालियर शहर के रियल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम ने प्रेस वार्ता आयोजित कर हॉस्पिटल के बारे में फैलाई जा रही सभी भ्रामक जानकारियों का खंडन किया। ग्वालियर शहर के रियल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट टीम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि पिछले कई दिनों से कुछ लोग अस्पताल के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। दरअसल अस्पताल की ओपनिंग के समय हॉस्पिटल की मैनेजमेंट टीम में कुछ लोग जुड़े थे, जिनका काम मैनेजमेंट टीम को अच्छा नहीं लगा तो उनको टीम से अलग कर दिया गया, जिसके बाद से वो लोग अस्पताल को बदनाम करने के उद्देश्य से भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन ने सभी गलत जानकारियों का खंडन करते हुए हॉस्पिटल को सर्व सुविधा युक्त बताया और कहा कि जिला प्रशासन के सभी नियमों को ध्यान में रखकर इस हॉस्पिटल का संचालन होता है। अपने दो पार्टनरों के साथ, जिनका नाम की महेंद्र कपूरिया और मोहित शर्मा, निशी शर्मा पत्नी मोहित शर्मा, ये लोग हम राजीव शर्मा के साथ पार्टनर हुए थे, जिनकी की मिसेज प्रत्यक्ष रूप से पार्टनर थी। अस्पताल खोलने का आइडिया लेकर राजीव शर्मा और भूपेंद्र शर्मा और महेंद्र, इनके बीच में अस्पताल खोलने को लेकर चर्चा हुई। ये आर्थिक सहयोग के लिए और पार्टनरशिप के लिए हमारे पास है। और निशी शर्मा के पति मोहित शर्मा के पास पहुँचे, जब तक हम इन दो लोगों को ठीक से जानते भी हैं इस विषय में, तो इन्होंने कहा कि 25-25 लाख रुपए लगेंगे, 25-25% की पार्टनरशिप हम लोग रख लेते हैं और इस तरीके से शहर के मध्य में हॉस्पिटल खोल लेते हैं। हमने एक बिल्डिंग दिख रखी, वो किराए पर देने के लिए तैयार है, और उसमें हम लोग सर स्वीकृति दिए। 25-25 लाख रुपए की बारी आई तो उसमें ऐसा कुछ तय नहीं था कि पहले किसको लगाना है दूसरे, सभी को 25-25 लाख रुपये, जिसकी बारी जैसे आई, जिस पर जैसा प्रबंध हो गया उसने पहले अपना पैसा लगाया। तो मोहित शर्मा जी ने हमसे भी पहले पैसा दे दिया, उसके बाद हमने पैसा दे दिया। मोहित शर्मा जी का 28, जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 28,14,500 रुपये उन्होंने निवेश कर दिया। उसके बाद जब हमारे निवेश की बारी आई तो 29 लाख हमने निवेश कर दिया। डॉक्टर महेंद्र की, महेंद्र कपूरिया जी की बारी आई तो इस बीच डॉक्टरों का प्रबंधन किया गया, तो डॉक्टरों के जो भी फीस हो गए। विवाद आया 14 अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल तक हमारा कोई विवाद नहीं था, इसकी सारी मशीनें आती गई, जमा होती गई, जमाते गए, तब तक हमारा कोई विवाद नहीं। जैसे ही उद्घाटन हुआ हमने अपनी मान्यता के लिए आवेदन कर दिया, तो हमने इनसे अपने दिए गए पैसों का ब्यौरा मांगा, उनके बिल मांगे, ये देने में नाकाम रहे। जब इन्होंने हमारे 60 से 65 लाख रुपए तीनों लोगों के पैसे का बिल नहीं दे पाए, तो 21 तारीख को ये गन लेकर और हम तीनों लोगों को धमकाए कि या तो तुम लोग निकल जाओ या हमें 40 लाख रुपये हिस्सेदारी के रूप में, मैं अपनी हिस्सेदारी वापस लेता हूँ, मुझे 40 लाख रुपये चाहिए। फिर इन्होंने कहीं 15 लाख कहे, कहीं 20 लाख कहे, कहीं 17 लाख कहे, इस तरीके की चीज़। और इस बीच ही हमको एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा, पुलिस के दबाव द्वारा, कहीं ना कहीं बेवजह की शिकायतें करके द्वारा हमको धमकाते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।